गर्भावस्था एक स्त्री के लिए बहुत ही खास मौका होता है और बहुत ही खास समय होता है। इस समय पर उसकी पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाती है, ना केवल मानसिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी। वह अपने आप को नया महसूस करने लगती है। लेकिन यदि वही महिला उसको अगर माइग्रेन हो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कई महिलाओं के मन में सवाल होता है कि यदि मुझे माइग्रेन है तो क्या मुझे डॉक्टर से सलाह लेकर ही गर्भ धारण करना चाहिए, या फिर अगर मैं गर्भ धारण कर रही हूँ और मुझे माइग्रेन है तो क्या मुझे पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर इसका इलाज करवाने की जरूरत है। आइए जानते हैं मेरी इस वीडियो के द्वारा कुछ और बातें माइग्रेन और गर्भावस्था दोनों से रिलेटेड। कई बार सही तरीके से बैठ ना पाने की वजह से भी हमारे सर में दर्द होता है। क्या आप जानते हैं कि माइग्रेन का मतलब क्या होता है? यदि आप 24 घंटे में से लेकर 16 से 18 घंटे सिर दर्द से परेशान रहते हैं तो उसी समस्या को माइग्रेन कहा जाता है। हल्का सा सिर दर्द जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम माइग्रेन कह सकते हैं। कई बार सही तरीके से ना बैठ पाने की वजह से, पानी की कमी की वजह से, हमारे आहार को संतुलित ना होने की वजह से या फिर तनाव होने की वजह से भी हमें माइग्रेन हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम तनाव रहित रहें, अपने आप को पानी से भरपूर रखें और कॉफी का सेवन कम से कम करें। कई महिलाओं को कॉफी का सेवन करने की आदत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे महिलाएं जिन्हें माइग्रेन की समस्या होती है उन्हें कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉफी के अंदर कैफीन होता है, इसीलिए आपके माइग्रेन में और ज्यादा बाधा बना सकता है। यदि बात है गर्भवती बनने की तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने आप को मेंटेन करिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, तनाव से दूर रखिए, अच्छे आहार का सेवन करिए, समय समय पर कुछ ना कुछ खाते रहिए। ऐसा करने से आपको तनाव कम करने में काफी ज्यादा सहायता मिलेगी और इसके बाद आप गर्भ धारण आसानी से कर सकती हैं। आपको गर्भ धारण करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।